पंजाब में एक बहुत बड़ा मुहिम चलाई जा रही है धर्म परिवर्तन की। हिंदू और सिख लोगों को लालच, लोभ, डराकर, ये कहकर कि तुम्हें कैंसर हो जाएगी, ये कहकर कि तुम्हारे बच्चों को ये तकलीफ आ जाएगी अगर तुम क्रिश्चियन नहीं बने, इस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन ये पास्टर अंकित नरूला जैसे लोग, बरजिंदर सिंह जैसे लोग पंजाब में ये पाप कर रहे हैं। और जब इस पाप को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने जो इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने शहादत दी जन्म धर्म की आजादी के लिए, जब उनके वंशज न्यांग सिंह जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए आते हैं, तो पंजाब सरकार उनको जेलों में बंद करने का काम करती है। ये पाप कर रही है मान सरकार, ये बहुत बड़ा पाप कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। पंजाब में जो सिखों का और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनको पुलिस फोर्स दी जा रही है, और जो इस जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोल रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। मैं जथेदार अकाल तख्त साहब का धन्यवाद करता हूं, उनका समर्थन करता हूं, जो उन्होंने डटकर इसके ऊपर अपना बयान दिया है और विरोध चलाया है। और मैं पंजाब सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आपने इस कार्रवाई को नहीं रोका तो हम सब लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से विनती करता हूं, इन निहंग सिंहों को आप इनाम दें जिन्होंने इस धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई है और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश की है। ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।